नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ नौ, बंदर और गिलहरी। तो आज का जो पाठ है वो हमारा बंदर और गिलहरी एक कहानी है। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बंदर है जो कहाँ बैठा है, पेड़ पर, और एक क्या है, गिलहरी है। और ये गिलहरी क्या कर रही है, उसकी पूंछ पर झूला झूल रही है। आप सबने भी देखा है ना, बंदर की पूंछ बड़ी लंबी होती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा पाठ पढ़ेंगे, बंदर और गिलहरी। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ पर। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखो ये बंदर की पूंछ है, वो क्या है, बहुत लंबी, इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। देखो इतनी लंबी थी जो कहाँ लटक रही थी, जमीन पर लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही। आप सबने गिलहरी देखी ना, वो उछल कूद कर रही। तो क्या कह रहा है कि एक गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, जो गिलहरी उछल कूद करके खेल रही है उसको पूंछ दिखाई दी। आपको भी है ना, पेड़ की डाली दिखाई देती, आप झूला झूलना शुरू करते हो वैसे ही। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, अब उसको बंदर की पूंछ कैसी लगी झूला। तो उसने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। उसने क्या कहा कि थोड़ी देर पहले तो नहीं था। उसने क्या सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, और वो बंदर की पूंछ थी, कोई रस्सी या झूला नहीं, तो वो उस पर झूलने लगी। हमने चित्र में देखा था बंदर को गुदगुदी हुई। अब बच्चों आपके ऊपर कोई ऐसे बैठा हो तो आपको भी गुदगुदी होती है नहीं, तो बंदर को भी क्या होने लगी, गुदगुदी। उसने नीचे देखा, फिर बंदर ने क्या किया, नीचे देखा। हमने चित्र में देखा था, वह हंस कर बोला, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो। उसने हंस कर क्या कहा, बहन गिलहरी तुम यह क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे क्या हो रही है, गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया यह तुम हो। फिर गिलहरी एकदम ऐसे चौंक गई और क्या पूछा, अरे बंदर भैया यह तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, मुझे तो लगा ये तुम्हारी पूंछ है और मैं इसको झूला समझकर क्या कर रही थी, झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था, क्या हो रहा था, बड़ा मजा। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और गिलहरी क्या कर दी, हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। देखो जैसे यहाँ कछुआ है, कछुए पे चिड़िया बैठी है, वैसे ही बंदर की गिलहरी, बंदर था उसकी पूंछ पर गिलहरी झूला झूल रही थी, है ना। उसको लगा ये झूला कहाँ से आ गया, तो उसको बड़ा मजा आया। तो बच्चों आपको भी झूला झूलने में मजा आता है, लेकिन हम बंदर की पूंछ पर झूला नहीं झूल सकते, वरना वो हमें मारेगा। आया समझ में कि कैसे बंदर की पूंछ पर गिलहरी झूला झूल रही थी। अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। अभ्यास में देखो गप्पे, अब हम क्या करते हैं अभ्यास। अभ्यास में है गप्पे, गप्पे मतलब गप्पे मारना, हा हा हा, है ना, हंसते मजाक करते। देखो बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी, इतनी लंबी जैसी सड़क, जैसे सड़क बहुत लंबी होती है उतनी बंदर की पूंछ। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी, जैसे आपने झाड़ी देखी ना बहुत घनी होती है वैसे। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा, गुब्बारा मोटा होता है ना बच्चों वैसे। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत, इमारत मतलब आपकी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती वो घर। चूहियाँ इतनी छोटी थी, इतनी छोटी, इतनी छोटी जैसे कण, जैसे मिट्टी का एक छोटा सा कण होता है ना वैसे। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी, इतनी टेढ़ी, इतनी टेढ़ी जैसे जलेबी। देखो जलेबी ऐसे 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 टेढ़ी होती है ना, आप सबको अच्छी लगती है। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी, देखो आप इधर लिख सकते हो थी, इतनी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी मतलब चाय। अब गुदगुदी, जैसे बंदर को हुई थी कहानी में, बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, हथेली पर, तलवे पर, और उसे क्या होता है वो आपको लिखना है। क्या करोगे, गिलहरी ने बंदर की पूंछ में झूला झूला, तुम इन चीज़ों में से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। रुमाल, रुमाल से हम नाक साफ करेंगे, आँख पर पट्टी बांध कर खेलेंगे।
पेंसिल, लिखेंगे चित्र बनाएंगे, फुट्टा नापेंगे चित्र बनाएंगे, फुट्टे से हम क्या करेंगे नापेंगे और चित्र बनाएंगे। क्या क्या तुम तो अब आपका उसके बाद क्या क्या तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो जैसे दूध भात संतरा केला, इनके अलावा तुम क्या क्या खाते हो। तो देखो मैं तो दाल चावल रोटी सब्जी पिज़्ज़ा बर्गर मैगी फल सब खाती हूँ। आप क्या क्या खाते हो आपको लिखना है। मुझे तो दूध भात पसंद है, कह रहे गिलहरी को क्या क्या खा लेती है। तो गिलहरी मूँगफली खाती है, रोटी खाती है, सब्जी खाती है और फल खाती है। बंदर क्या क्या खाता है, बंदर का प्रिय क्या है केला, बंदर केला भी खाता है, रोटी भी खाता है, आम भी खाता है और अंगूर भी खाता है। आया बच्चों समझ में। उसके बाद है कौन कौन, मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है बच्चों मुझे इसमें से बताना है। जैसे कुछ जानवर क्या है, जैसे खरगोश भी उछलता उछलता, बंदर उछलता है, तो उछल कूद करते कौन कौन, एक दो गिलहरी, कुत्ता भी उछलता है, चूहा भी उछलता है, बिल्ली और खरगोश। कौन कौन नहीं उछलते, गाय को अभी कभी आपने उछलते देखा नहीं, शेर गधा हाथी और ऊंट। देखो नीचे चित्र भी दे रखे है ना, इसमें से कौन उछलते है कौन नहीं उछलते। देखो ये ऊंट है, कुत्ता चूहा गधा शेर हाथी गिलहरी बिल्ली गाय ऊंट सब है ना। आया बच्चों समझ में। अब आपको क्या करना है, अपने कॉपी में ये अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।